आपने डीप वर्किंग आवर्स के बारे में सुना है? हम लोग ऐसा कहते हैं कि दिन में कुछ घंटे हमें ऐसे निकालने चाहिए कि जब हम सिर्फ और सिर्फ अपने वर्क के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें। मतलब आसपास ना मोबाइल होना चाहिए, ना टेक्नोलॉजी का सामान, ना किसी से बातचीत करनी है। भले अपने फ्रेंड्स हो, रिलेटिव्स हो, पेरेंट्स हो, किसी से भी बातचीत नहीं करनी, सिर्फ और सिर्फ अपना काम करना है। कुछ घंटे अगर दिन में ऐसे काम करें ना, तो उसे हम लोग डीप वर्किंग हावर्स कहते हैं, कि सिर्फ अपने वर्क के ऊपर कंसंट्रेशन, और ये बहुत इफेक्टिव कहलाता है। कहते हैं कि आप पूरा हफ्ता जो है वो विदाउट कंसंट्रेशन वर्क करो, और उसके बदले में सिर्फ एक दिन 2 घंटे डीप वर्किंग आवर्स में काम करो ना, तो वो पूरे हफ्ते के काम के बराबर कहलाता है। उससे ज्यादा इफेक्टिव, पूरे हफ्ते से ज्यादा इफेक्टिव ये 2 घंटे कहलाते हैं, अगर आप 2 घंटे सिर्फ जो है वो डीप वर्किंग आवर्स में काम करो तो, जैसे मैं करता हूँ। और यही थियरी जो है वो आप लोग अपनी स्टडी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, कि आपकी स्टडी के लिए भी दिन में 2 घंटे आप डिसाइड करो, खुद डिसाइड करो कि दिन में 2 घंटे हमें रखने हैं डीप स्टडी हवर्स। आप अपने लिए रखो डीप स्टडी हवर्स, मतलब 2 घंटे दिन में ऐसे डिसाइड करो कि तब ना हमें मोबाइल लेना है, ना जो है वो किसी से बातचीत करनी है, ना टीवी देखना है, ना फ्रेंड्स, ना पेरेंट्स, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। आप एक जगह बंद कमरे में बैठ जाओ, एक जगह बैठ जाओ और सिर्फ अपनी स्टडी के ऊपर कंसंट्रेट करना है। माइंड में दूसरी चीजें, दूसरे ख्याल भी नहीं होने चाहिए। ये चीजें प्रैक्टिस से आ जाएगी। आप पहले ही बार में सोचते हो कि यार ये चीजें कैसे हो सकती है, आती है, हर चीज पॉसिबल है। अगर दिन में 2 घंटे आप डीप स्टडी हवर्स में रखो ना, तो लिटरली आपके पूरे हफ्ते की विदाउट कंसंट्रेशन की पढ़ाई से ज्यादा ये सिर्फ 2 घंटे की पढ़ाई ज्यादा इफेक्टिव रहेगी। और जस्ट इमेजिन करो कि अगर आपको ये आदत पड़ गई और रोज के 2 घंटे आप डीप स्टडी आवर्स में दे रहे हो, तो उसके बाद आप अपना रिजल्ट खाली इमेजिन करके देखो। सही बात है ना?